गुड इवनिंग गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आज बहुत दिन के बाद थोड़ा समय मिल पाया तो घर से निकला हूँ अभी फिलहाल, और इधर बच्चे खेल रहे हैं आगे, और ये रही हमारी धन्नु। धन्नु जो है, बहुत दिन से मैंने इसको कुछ किया नहीं है, सीट भी थोड़ा बहुत फट गया है, इसको चेंज करना पड़ेगा, समय नहीं मिल पा रहा, और थोड़ा सर्विसिंग भी कराना पड़ेगा। ऐसा चश्मा पहना हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मोतियाबिंद हो गया है। मैं ये सनग्लास आप लोगों को दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद, और ये करते हैं सिग्नल को क्रॉस और आगे की ओर बढ़ते हैं। पता नहीं कहाँ निकल रहा हूँ, बस आज मन किया बहुत दिन के बाद थोड़ा बाइक लेके धन्नु के साथ निकलने का। हालांकि ऑफिस के लिए तो बाइक का इस्तेमाल तो किया जा रहा है, बट आज आप लोगों के लिए बहुत दिन के बाद धन्नु के साथ निकला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी को, और कुछ अच्छी जगह आप लोगों को लेके चलते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं थोड़ा सा नज़ारा। हालांकि शाम के लगभग 7 बज चुके हैं और मेरा ऑफिस टाइम भी ख़त्म हो गया है, इसके लिए मैं निकला हूँ आज। अभी थोड़ा पेट्रोल भी भराना पड़ेगा, देखते हैं क्या हो सकता है। यार एक जरा भी मन नहीं लग रहा था, घर में समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और बैठे बैठे सिर्फ वाईफाई ऑन करना, मूवी देखना, कुछ वीडियोस देखना, कुछ काम से रिलेटेड काम करना, ये सब चीज़ें तो रोज़ चल रहा है मेरे डेली बेसिस में, बट समय नहीं मिल पा रहा है आप लोगों से बात करने के लिए। तो आज समय निकाला हूँ और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है आज, क्या दिखा पाता हूँ मैं कोलकाता में आज। हालांकि कुछ भी अच्छा तो लग नहीं रहा है, और बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, बारिश भी हो रहा है, गर्मी भी हो रहा है, बारिश भी हो रहा है, गर्मी भी हो रहा है, इसके वजह से प्रॉब्लम भी हो रहे हैं। कुछ खास लग नहीं रहा है, फिर भी चलते हैं देखते हैं। पॉल्यूशन से भरा हुआ शहर है कोलकाता, और कुछ नहीं। अब मन उब गया है यहाँ से, अब यहाँ पे रहने का मन नहीं कर रहा है। अगर कंपनी प्रमोशन देती है तो कहीं देखेंगे, या फिर इस जॉब को क्वाइट करके कहीं और ट्राई करेंगे। और कोलकाता में मन नहीं लग रहा है, कहीं और नई जगह में जाने का कोशिश करूँगा। प्लानिंग चल रहा है, देखते हैं क्या होता है आने वाला लाइफ में। मेट्रो का भी काम, और कुछ कोलकाता के बारे में भी, अभी जो इस बार जो मेट्रो का भी काम चल रहा है, तारातला का मेट्रो स्टेशन यहाँ पे बना हुआ है। मुझे आज कुछ ऐसा जगह जाना है जहाँ पे मैं बहुत पहले जाया करता था, तो आज उस सब सेक्टर को थोड़ा थोड़ा करके कवर करेंगे, और एक ब्लॉग में सब चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा मैं। तो फिलहाल चलते हैं आगे की ओर, और अच्छा लगता है शाम के टाइम में थोड़ा बाहर निकलना घर से, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद, ऑफिस का दिन भर काम करने के बाद, मतलब एकदम तो अजीब सा भी लगता है कि मतलब क्या कर रहे हैं यार। घर में घुस गया 4-5 घंटे के लिए, अगर होता क्या है कि जैसे सुबह उठता हूँ, सुबह उठने के बाद मैं तो अभी फ़िलहाल ऐसा हालत हो गया है मेरा, 8:30 बजे तक उठता हूँ, 8:30 बजे उठ के ब्रश व्रश करके, खाना पीना जो भी है, मतलब नहाना धोना जो है, ये सब करके फिर खाना पीना खाते खाते 9:30 बज जाता है, फिर ऑफिस के लिए निकलता हूँ। तो ऑफिस तो जाना होता नहीं है, फील्ड में काम होता है, फील्ड में निकलता हूँ, फील्ड में काम करता हूँ, और फिर लंबा छोड़ा यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, क्लाइंट के यहाँ जाना, बहुत सारे काम होते हैं, सब काम करना, इन सब चीज़ों में वक्त जो है निकल जाता है, ठीक है ना, इन सब चीज़ों में पूरा वक्त निकल जाता है। और फिर शाम के 6:30-7, कभी 8, कभी 9, कभी 10 भी बज जाता है, जैसे समय मिलता है वैसे ही आप लोगों के साथ मैं फिर निकल पड़ता हूँ कोई नई ब्लॉक या फिर कहीं और, ठीक है। तो बहुत दिन से समय भी नहीं मिल पा रहा था इन सब चीज़ों की वजह से, आज थोड़ा समय मिला है। और जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे हमारे मकान मालिक जो है वो 10:30 तक लास्ट हम लोग का एंट्री है, फिर उसके बाद वो बोलते हैं बाहर में ही रहो, ठीक है।
है हमारी सीमा दीदी करके, उनको बोल के रखने से थोड़ा समय बढ़ा देता है, चाबी नीचे रख देते हैं तो फिर हम लोगों का काम बन जाता है वो महीने में एक दो बार के लिए, देरी करने से फिर निकाल के बाहर फेंक देगा। तो चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। इसको बोलते हैं ट्रैफिक। शाम हुआ कि नहीं हुआ, ट्रैफिक स्टार्ट हो गया, भर भर के हैं गाड़ियाँ, फंसे पड़े हैं। और भी आगे दिखाता हूँ। फिर से आ गया न्यू अलीपुर जू, समझे बच्चू, गौ, 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 गौ। ट्राफिक का तो माँ की आंख करके रखा है यार। सॉल्ट लेक को कवर करने के लिए अब जो है ये बस मेरे पीछे पड़ा हुआ था, किसी तरह बचा के मैं आगे की ओर चला। और इधर जो है स्ट्रीट लाइट ऑफ कर दिया गया है, आगे की ओर जा रहे हैं, जा रहे हैं और जा रहे हैं। ये फ्लाईओवर जो है माँ फ्लाईओवर, मैं चढ़ चुका हूँ और यहाँ से सीधा निकलते हैं सॉल्ट लेक की ओर और मिलते हैं वहाँ पे अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो चलो बने रहो, इन्जॉय करो मोमेंट को, हर एक दिन सुहाना होता है, हर एक पल सुहाना होता है। जिस जगह जाना ना भी हो वहाँ भी मुझे जाना होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, सब रेस लगा रहा है लेकिन मैं रेस नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है धनु का पहले सर्विसिंग कराना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं थोड़ा बहुत स्टार्ट थोड़ा स्पीड दे सकता हूँ, लेकिन इससे पहले नहीं दूंगा। इससे पहले दूंगा तो बहुत तरह का तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए प्रॉब्लम ना हो और पहले से सावधान हो जाओ, अच्छा होगा ना। क्या सही बोल रहा हूँ ना भाई? लगता है लड़कियां मेरे ब्लॉग को देखते नहीं यार, देखते हैं तो स्किप कर देते हैं, उनको मेरे ब्लॉग से कोई लेना देना होता नहीं है क्या? थोड़ा कमेंट में बताया करो। ओ माय गॉड, ये स्कूटी भी मेरे से आगे चला गया। मेरा स्पीड 45 है, 40-45 में रखता हूँ। और जब मैं पूरा ग्लव्स और जो होता राइडिंग जैकेट शूज ये पहना हुआ रहता हूँ तो 100 तो स्पीड बढ़ा ही देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ना अगर मैं बाई चांस कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, गिरा तो कम से कम बचूंगा। तो इसके लिए कोई बात नहीं भाई। और ये माँ फ्लाईओवर मुझे लगता है 2-3 महीने से मैं शायद इसमें ट्रैवल नहीं किया हूँ, इससे आना जाना नहीं किया हूँ, बोलने का मतलब ये है। फ्लाईओवर बनाया हुआ है, अभी कुछ दिख नहीं रहा है, बट वो पानी जमने की वजह से और साइड पे पानी नहीं निकलने की वजह से ये रोड जो है फ्लाईओवर का जो रोड है ये खराब हो गया है भाई। इसको बोलते हैं ट्रैफिक, जम के ट्रैफिक बोलते हैं इसको पूरा। ओ भाई 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 भाई, 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 भाई। कोई नहीं, कोई बात नहीं। नीचे अरसलान है, अरसलान बिरयानी सेंटर। इसमें कैदी है क्या? हाँ भाई, इसमें बहुत सारे कैदी हैं, इसको ले जाया जा रहा है। बहुत सारे कैदी हैं इसके अंदर, उसको ले जाया जा रहा है, बट वो वैसा कैदी नहीं है, चोर बदमाश लफंगे उफंगे, हो सकता है मर्डर केस वाला भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। ओह
ना 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 मैं देख सकते हो कि ट्रैफिक का देख लो कितनी सारी गाड़ियां हैं और थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है कि बाइक को निकाला जा सके या बाइक के लिए कोई भी रास्ता हो जो साइड लेके तुम उसमें चल सको चला सको अपने बाइक को। कुछ नहीं है, बीचों बीच जाना पड़ेगा, ट्रैफिक पुलिस है और रास्ता देंगे और किसी भी तरह तुम निकल सकते हो। तो इधर अभी ट्रैफिक पुलिस वाले ने भैया ने साइड में रोका है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है रोकना, थोड़ा बहुत रोकना, नहीं तो फिर हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाता है। इसकी वजह से हम लोगों को साइड में चलना पड़ता है तो ही सेफ फील कर पाते हैं, नहीं तो गुडू गाज में हो जाऊँगा, मतलब मार दिया जाऊँगा। कुछ भी ना कहो, दिल कह रहा है मैं सुन रहा हूँ, कैसे समझ। बहुत दूर दूर से लड़की लड़कियां आते हैं, ये पूरा सॉल्ट लेक सेक्टर 5 है, बहुत सारे कॉरपोरेट कंपनीज हैं यहाँ पे और कॉलेज भी है, एचएम कॉलेज हॉस्पिटलिटी का, तो स्टूडेंट भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, लड़कियां लड़के सब यहाँ पे जॉब करते हैं। और लॉकडाउन के समय में टोटली बंद था, हालत ख़राब था यहाँ पे, आईटी सेक्टर वाले ही सिर्फ खुले हुए थे, वो भी मैक्स टू मैक्स बंद ही थे। TCS कंपनी भी है यहाँ पे, कॉल सेंटर्स भी है, तो मैक्स टू मैक्स जितने भी बाहर या कहीं के भी कोई आते हैं तो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 ज़रूर आते हैं जॉब के लिए। यहाँ जितना अपॉर्चुनिटी है पूरे कोलकाता में कहीं पे नहीं है, 100% जॉब मिल ही जाते हैं, प्लेसमेंट यहाँ मिल रहे हैं। कोई नहीं भाई, और ये जो गाड़ी का मैं बात किया था, छोटा छोटा जो ओमनी टाइप का गाड़ी सब जो है, इन सब मैं देखो ना, ये छोटी छोटा सा ओमनी है, ये भी इसमें सब लड़के लड़कियां सब बैठे हुए हैं और कोई 5-10 किलोमीटर के अंदर में रहते हैं ये लोग, या नज़दीक में अगर भी कहीं पे रहते हैं तो वो भी हैं। लेकिन यहाँ पे उतना ये नहीं है, क्या बोलते हैं, इनकम का जो है सैलरी जो है उतना हाई नहीं मिलता है कोलकाता में बाकी सब सिटीज से, सही है। सुबह आते हैं 9:30-10 बजे तक ऑफिस पहुंच जाते हैं और 7 बजते-बजते 6:30-6 बजे तक ऑफिस का टाइम रहता है। सब बस मैं देखो ठसाठस सब भरे पड़े हैं, बैठने तक का जगह नहीं मिलता है। उधर मोड़ पे यहीं पे सर्कल में एक भैया थे जो पानी पूरी बेचते थे, ठीक है ना, अब वो भैया तो मुझे दिख नहीं रहे और शायद लेट हो गया है इसकी वजह से, क्या यहाँ से उठ के वो दूसरी जगह बेच रहे होंगे, ये भी हो सकता है, और कुछ पता नहीं है। पानी पूरी तो बेचते थे यहाँ पे भैया, वो अभी यहाँ से हट के कहीं और चले गए होंगे, ये भी हो सकता है। ओह पूरा पानी 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 पानी, जहाँ पानी रहता वहाँ ठंडापन होता है यार। जैसे ये जो लेक है, लेक टाइप का बना हुआ है राइट साइड में मेरा, और साइड साइड में बड़े बड़े टावर्स हैं, ठीक है ना, ओ
नया टावर बनाया लगता है। बात कर रहा था मैं इस चश्मे के बारे में, ये शायद दिख रहा होगा, ये अंधेरा अंधेरा टाइप का लग रहा है, जैसे लगता है जो ऑपरेशन करा था ना, आँख का ऑपरेशन, वैसा चश्मा है। तो फिलहाल बहुत अच्छा वेदर है, मतलब बहुत अच्छी हवा चल रहा है, और साइड में जो है इधर बैठे हुए हैं, मैं भी कभी आके यहाँ पे बैठता था, ठीक है ना, थोड़ा टाइम स्पेंड करता था, और बहुत अभी तरह की बातें जो होता था यहाँ पे, वो सब बंद हो गया। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे आया हूँ, थोड़ा टाइम रहूँगा फिर यहाँ से निकल जाऊँगा, बहुत दिन के बाद समय मिला था इसके लिए मैं आज थोड़ा समय निकाल के यहाँ पे आया हूँ। और ओवरऑल इधर जो है, स्ट्रीट लाइट शो कर रहा है, धनु को वहाँ पे खड़ा कर दिया, दिख रहा होगा। हाँ अच्छा लग रहा है, सांप आप देखने के लिए नहीं मिलता है यहाँ पे, कहाँ मिलता है, पानी में देखने के लिए मिलता है, ऊपर में नहीं मिलता है। मैं जब भी आया था, आता था पहले यहाँ पे, तो ऊपर आ जाता था कभी कभी। अच्छा उस साइड में आता है क्या?